मौसम सुहाना हो और चाय के साथ आलू के पकोड़े मिल जाएं तो बात ही क्या है। आज मैं बिना बेकिंग सोडा और बिना बेकिंग पाउडर के एकदम खस्ता टेस्टी आलू के पकोड़े बनाने की ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आई हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितु। टेस्टी एंड हेल्दी में आपका स्वागत है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें 4 चम्मच बेसन का आटा ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच चावल का आटा मिला देंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा पानी उसमें डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाकर ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 2 टीस्पून गरम ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और यही इस रेसिपी का सीक्रेट भी है जिससे पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे फेंटते जाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है। अगर बैटर पतला हो गया तो आलू पर कोट नहीं करेगा, इसीलिए इसको धीरे धीरे पानी डालकर फेंटते जाना है और इसकी कंसिस्टेंसी को देखना है कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि जब हम बैटर को ऊपर से गिराएं तो वो नीचे गिरकर बैटर में एकदम इनविजिबल हो जाए, दिखाई ना दे। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाकर हम अब एक तरफ रख देंगे। अब हम आलू को तैयार करेंगे। 2 आलू लेकर उसे अच्छी तरह से छील लेंगे और फिर उसके स्लाइस काट लेंगे। स्लाइस बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए। फिर उस आलू के स्लाइस को अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे और एक सूखे टॉवल के ऊपर हम उसे डाल देंगे और अच्छी तरह से दूसरे कपड़े से हम उसे दूसरी तरफ से ड्राई कर देंगे। फिर गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में तेल डाल देंगे और 1 चुटकी नमक डाल देंगे ताकि पकौड़ियाँ ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्व ना करें। और फिर आलू की स्लाइसेस को बेसन के बैटर में लपेट कर गरम तेल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अगर बहुत लो रखेंगे तो पकौड़ी बहुत ज़्यादा तेल पी जाएगी और हाई फ्लेम पर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से जल जाएगी। इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से अलट पलट करके हम तल लेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाए। अब देखिए, हमारी पकौड़ियाँ एकदम पक चुकी हैं, ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी तो हमारी पकौड़ी एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। बस तो अब क्या करना है, जल्दी से आप भी बनाइए गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय के साथ एंजॉय करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।